अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी मेहजबान उरफाना मुनीर और आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं बीजेपी के सीनियर लीडर मिस सिद्दीका जी। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि आज यहाँ पर जो मीटिंग चल रही थी ये किस पर्पस के लिए चल रही थी। तो मैम आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो मीटिंग चल रही थी ये किस पर्पस के लिए चल रही थी। ये मीटिंग थी जो हमारे तो उसके लिए बच्चों के लिए मीटिंग रखी थी। सर को बुलाया था कि हमारे बच्चों के लिए LIC वगैरह इस चीज़ का मांग रहे हैं, बट इसमें क्या हल निकलेगा। सर ने उनको रिप्लाई दिया कि जल्द से जल्द हम इन बच्चों को हल निकालेंगे, तो उनको कोई ज़रूरत इस चीज़ की नहीं है। तो सर ने इनका हल बता दिया। तो आप जो करना का यूथ है वो दिन ब दिन, मतलब आपको पता है कि करना की सिचुएशन क्या चल रही है, तो आप यूथ के लिए कोई मैसेज। यूथ को मैं यही कहती हूँ, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है यूथ को, गलत रास्तों पे मत जाइए, इधर उधर ना भटके, क्योंकि इनके लिए बहुत बेनिफिट हमारी भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही है। चाहे वो इनके लिए कोई जॉब होए या किसी तरह की भी कुछ भी होए, तो इनके लिए बेनिफिट लेके आ रही है। क्योंकि अभी तक हम कोर्ट में थे, कोविड की वजह से हम इनके लिए कुछ नहीं कर सके, बट मैं यूथ के साथ हूँ, जहाँ कहीं भी लेके जाएंगे इनके साथ हूँ, इनकी हर तरह से। और ये मतलब डिप्रेशन में किसी मतलब कोई गलत रास्ता ना चुने, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी का यही है कि हम बेरोजगारी खत्म करेंगे। तो यहाँ का जो प्रेजेंट यूथ है जो कि बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं कर रहे, उन्होंने कितनी एजुकेशन मतलब ले ली है, कितने उन्होंने स्टडी कर चुकी है, लेकिन फिर भी उन्हें कोई जॉब वगैरह नहीं मिली, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उनके लिए कुछ इंशाल्लाह जरूर होएगा। क्यों नहीं होगा, उनके लिए होएगा, बच्चों के लिए, बच्चों के साथ हूँ, ऐसी कोई वो बात नहीं है। जो बच्चे अगर भी हो गए फिर भी मैं उनके साथ हूँ, उसके बाद कहीं भी कुछ भी उनको एडजस्टमेंट हम जरूर करेंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेनिफिट लाए, बहुत कुछ लाया, क्योंकि कोविड की वजह से अभी नहीं यहाँ तक पहुँचा। हम अपने कोटे से भी जो भी हमें जितना भी हो सकता है उन बच्चों के लिए मैं जरूर करूँगी। बच्चों के लिए यही रिक्वेस्ट है कि बच्चे गलत रास्ता ना चुने और मेरा साथ दें, मैं उनके साथ आगे रहूँगी और मेरे साथ पीछे सपोर्ट बन के रहे, इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे हम इसका। लेकिन दिन ब दिन जो यहाँ पर महंगाई बढ़ती जा रही है, आप भी देख सकते हैं कि हर एक चीज़ में महंगाई जो है वो ज़्यादा हो रही है, चाहे वो सब्जी हो, चावल या कुछ भी हो, तो उसमें महंगाई जो बढ़ती जा रही है, तो उससे क्या होगा। उससे तो जैसे जो लोग मतलब ज़्यादा कमा नहीं सकते, जो जॉब वगैरह नहीं करते, वो लोग अपना गुजारा कैसे करेंगे। मैम वो अभी सर ने आपको रिप्लाई दिया था, बट ये है कि जो महंगाई है हमारी सरकार ने काफ़ी गरीबों के लिए सोचा है। देखो राशन हम उनको मतलब दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद तेल जो भी जितना हमारे से हो सकता था, हमारे इस कोविड की वजह से घर घर में हमारी, तो हम इसको नहीं कहते कि हम उनको इस पर, फिर भी हमारे से जितना हो सकेगा उन गरीबों के बारे में हम ज़रूर सोचेंगे। और हमारी सरकार आपको पता है कि इसमें कितना करती है। देखो एक गरीब लेडी थी, उसके घर में चूल्हा जलता था लकड़ का, वो अंधी हो जाती थी, तो उसके घर तक भी हमारे भारतीय जनता पार्टी ने गैस पहुँचाया, बाथरूम, मतलब ऐसे बेनिफिट लेके आई है, तो आज तक किसी पार्टी कोई पार्टी नहीं लेके आई। आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि हमारी भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल गरीबों के साथ है। माइग्रेस स्टील स्टोर कहरा डोडा डील्स इन ऑल काइंड्स ऑफ टाटा शीट, टैंकी, टाइल, सीमेंट, सरिया, प्लाईवुड एक्सेट्रा। कॉन्टैक्ट फॉर ऑर्डर 600579032020।